वायलेंस के माके पैदा करने में ड्यूरिंग पावर्टी असिस्टेंट इज वेरी डिफिकल्ट अब जब कोई गरीब होता है तो उसकी मदद कहाँ तक की जा सकती है उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाए उसको तालीम दी जाए उसको सेहत दी सेहत के इदारों में भेजा जाए और बाकी मामला में उसकी जो मदद की जाए तो कोई एक पहलू ऐसा हो सकता है जो कवर हो अगर बहुत बड़ी कोई कैंपेन चलाई जाए वरना मजमू तौर पर गुरबत के जितने पहलू हैं उन सारों में असिटेंस देना मुश्किल है पाकिस्तान क्लास हैज इट्स रूट इन सेंचुरीज ऑफ द ओल्ड हेरिटेज लेफ्ट बाई वेरियस डायनेस्टी अगला हमारा मसला ये है कि हम यहाँ पर आ, जो इस वक्त कौम आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत सी पुरानी जो कौमें हैं और बहुत सी जो सल्तनतें हैं उनसे होकर आई है हमारी रूट्स में बहुत पुराने जो माशरे हैं और पुराने जो नॉर्म्स हैं वह हैं मतलब कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे कुछ ऐसी जगह हैं हमारी जहाँ पे अभी भी पुरानी रवायात है और उनको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और वो लोग उस अपनी रिवायात के ऊपर मरने कटने पे तैयार हो जाते हैं उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है बच्चों को हकूक़ दिलाने के लिए लोगों को एक पेज पे लाना बड़ा मुश्किल है उनमें अवेयरनेस पैदा करना मुश्किल है सो द पावर ऑफ़ कास्ट एंड क्रीड अब यही जैसे मैं रही हूँ कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहब के भी लोग हैं गो अकलियत मुसलमानों की है लेकिन बहुत से ऐसे हमारे यहाँ क्रिस्चन भी हैं जूस भी हैं हिंदू भी हैं सिख भी हैं इसके अलावा और मज़हब के भी लोग हैं तो ज़ाहिर हर मज़हब के लोगों का अपना कल्चर होता है अपनी उनकी रिवायात हैं अपनी उनकी सोच है तो सारों को ये बताना कि ख़ानदानी निज़ाम किस तरह से चलाना है बच्चों को नर्चर किस तरह से करना है कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी चीज़ नहीं बेहतर है तो यहाँ भी काफ़ी रुकावटें सामने आती हैं देन चाइल्ड लेबर अब चाइल्ड लेबर का जैसे मैंने अर्ज किया कि रूट इसका पावर्टी ही है कि ग़र्बत की वजह से बच्चों को बजाय तालीम की तरफ भेजने के क्योंकि वहाँ तो फिर भी कुछ खर्च होता है और फिर वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जैसे मैंने अर्ज किया कि आज के दौर में अगर कोई गरीब ख़ानदान है तो वो अपने बच्चों को एक लॉन्ग टर्म अर्से के लिए आ, उन पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता जबकि उसको आमदनी की कोई उम्मीद भी ना हो तो इन चीज़ों को कैटर करने के लिए बहुत सी ऐसे प्लास पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जहाँ कम आमदनी वाले अफ़राद के बच्चों की तालीम कुछ इस तरह से हो कि वो कुछ पेशा वाराना हो जाए ताकि जो चाइल्ड लेबर इस वजह से है कि बच्चे तालीम में नहीं आते उसको बाकायदा उनके एडल्टड के साथ अटैच किया जाए और उनकी बेहतर तरबियत की जाए और उनको अच्छे पेशावर बनाया जाए डिफ्रेंसिस बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल ऐसा भी तो है कि पाकिस्तान की सत्तर फ़ीसद आबादी जो है वो देहातों में है और बाकी आबादी जो है वो अर्बन है तो फिर वहाँ का लाइफ स्टाइल भी अलग है कुछ ऐसे आज के दौर में भी रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ज़िंदगी की सहूलियात मयसर नहीं हैं वहाँ पर सेहतमंद पानी नहीं है सीवरेज नहीं है गलियाँ नहीं हैं तो अब उसमें यह है कि वहाँ भी ज़ाहिर है बच्चे सफ़र करते हैं फिर और जब तक उन इलाकों की तरक्की नहीं हो जाती वो भी तरक्की की दौड़ में मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो सकते फोर हाउस वर फाउंड टू बी लैकिंग इन फाइव डायमेंशन एम्पावरमेंट लैंड हाउसिंग, सैनिटेशन एंड एसेट तो हमने जब देखा कि पावर्टी में जो गुरबत की लाइन से नीचे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको क्या क्या मसाइल हैं तो उनमें एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मसला है यानी उनके पास इस बात का इख्तियार ही नहीं कि वो वसाइल को अपने हक में कर लें या कहीं से कोई फ़ायदा हासिल कर लें वो डिसएडवांटेज ग्रुप है फिर लैंड का मसला है ऐसे लोगों के लिए रिहाइश के लिए जगह नहीं है कमाने के लिए जगह नहीं है उनकी हाउसिंग प्रॉपर नहीं है उनको ऐसे एरियाज में रहना पड़ता है जो बड़े सख्त और टफ़ हैं वहाँ पे लाइफ गुजारना बड़ी मुश्किल है हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं सहराओं में बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वहाँ उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं तो इसलिए वो दूर दराज हैं जो इदारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं उनकी वहाँ तक एक्सेस ही नहीं वहाँ वो जा ही नहीं सकते तो किस तरह से फिर वो उन चीज़ों को कवर करेंगे दैन इम्पॉसिबल टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स तो अगर हमने इन चैलेंजेस पर पॉजिटिव स्ट्रेटजीज नहीं बनाई और हमने अपने सारे पाकिस्तानियों को अपनी सर्विस के दायरा कार में नहीं लाया तो हम तो मिलेनियम गोल्स को फिर अचीव नहीं कर सकते दो के हम इसके सिग्नेटरी हैं हमने वादा कर रखा है कि हम अपने बच्चों को हकूक दिलाएंगे और उनको इक्वली इक्वालिटी uh, और इक्विटी की बेसिस पे उनके राइट्स पे काम करेंगे लेकिन जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अभी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी बात करेंगे इसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे